नमस्कार दोस्तों, विद्युत अध्याय की तीसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस तरह से होता है, और साथ में हम यह भी देखेंगे कि विद्युत धारा किस तरह से कार्य को करती है, अर्थात ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। इसके अलावा भी हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। उसके पहले मैं थोड़ी सी पुनरावृत्ति करना चाहता हूं। घबराइए नहीं, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जब दूसरे वीडियो को देखा होगा, इस विद्युत अध्याय पे जो आधारित थी, तो उसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के बारे में बतलाया था। तो आप लोगों ने क्या यह ध्यान दिया दोस्तों कि श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम अर्थात जब प्रतिरोधों को एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ के लगाते हैं, और पार्श्व क्रम मतलब जब प्रतिरोधों को इस तरह से लगाते हैं। जी, तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि जब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को लगाते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, जो इनका समरूप प्रतिरोध है, वो किस तरह से होना चाहिए, यह मेरा प्रश्न है। अर्थात मान लीजिए इसका R1 नाम दे दिया, इसका R2, इसका R3। तो ये R इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा, चाहे तो R1 से, R2 से, R3 से, तीनों से बड़ा होना चाहिए अलग अलग। आप सही समझ रहे हैं कि R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, पर मैं बता रहा हूं आपकी कि जो R इक्विवेलेंट का जो मान है वो R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, और R3 से भी ज्यादा होगा, अलग अलग तरीके से देखा जाए। कब? जब ये श्रेणी क्रम में होता है तब। परंतु जब आप इसको पार्श्व क्रम में देखते हैं, तो मान लीजिए इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, तो ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा ही छोटा होगा। जो भी मैं यहां मिन लिख रहा हूं, मिनिमम अर्थात छोटा, जो भी छोटा है R1, R2, R3 में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि ये R इक्विवेलेंट जो है, यह R1, R2, R3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा है। अर्थात अगर ये 2 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम है, तो R इक्विवेलेंट का मान 2 ओम से भी कम होना चाहिए। यह श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोजनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। जब आप प्रश्न बना रहे हो तो आप एक बार फिर से इस चीज पर गौर करिएगा, अगर आपने अभी तक गौर ना किया हो तो। चलिए अब हम अपने आज की कक्षा में आ जाते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसे समझने के लिए हमें पहले विद्युत शक्ति को जानना है। तो देखते हैं यह विद्युत शक्ति क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हम 8वीं कक्षा में भी यह पढ़ चुके हैं। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, अर्थात ऊर्जा आप कितनी तेजी से उपयोग कर रहे हैं, उस रेशियो को, उस दर को भी शक्ति कहते हैं। जो वैद्युत शक्ति शक्ति दोस्तों, उसको पी से लिखते हैं, पी पावर, POWER, पावर, पावर अर्थात शक्ति। तो पी बराबर होता है वी गुने आई, जहां वी वोल्टेज है और आई करंट, करंट अर्थात विद्युत धारा जो उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो आप पूछेंगे कहां से आ गया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि विद्युत धारा की पहली कक्षा में हमने कार्य को कैसे पढ़ा था दोस्तों, V गुने Q। जितना भी कार्य करता है, एक जो भी जितने आवेश किसी इस विभवांतर से, इस भी विभवांतर से जब गुजरे, तो W कार्य किया जाता है। तो W अर्थात वर्क, जो कि यहां जैसे हम कार्य कह रहे हैं, तो ये कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू के। तो अभी हमने कहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात W बटे टाइम, कार्य करने की दर, समय के रफ्तार में ही तो दर मानेंगे ना दोस्तों। तो W बटे T क्या है हमारा, शक्ति, विद्युत शक्ति अर्थात पावर, P, जो कि मैंने यहां लिखा है P। और W हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, W हम लोग जानते हैं क्या, V गुने Q।
बटे टी, ये v गुने क्यू ही है, w है। तो v गुने क्यू बटे टी, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, v गुने क्यू बटे टी। और q बटे टी आपको मैंने पहले भी बताया था कि आवेशों के प्रवाह होने की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यह v इंटू क्यू बटे टी बन जाता है हमारा v इंटू आई। तो ये v इंटू आई मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों। तो जो विद्युत शक्ति है वो v इंटू आई से भी लिखी जाती है। v इंटू आई को मैं आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूं। यह बहुत ही साधारण सा बदलाव किया है मैंने, क्यों, क्योंकि हमें पता है ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आप इसमें क्या करिए कि V इज इक्वल टू आई आर जो है, इस V को इस इक्वेशन में बस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I इंटू आर जो कि V है गुने I, जो कि बराबर है I स्क्वायर गुने R के। तो v इंटू आई को आप आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। बेहतर होगा आप इसे याद कर लें, जब आप बहुत सारे प्रश्नों को बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें याद करने लगा है कुछ भी है नहीं। p इज इक्वल टू v इंटू आई या p इक्वल टू आई स्क्वायर आर दोनों सेम चीजें ही हैं। आप उसी ओम के नियम का उपयोग करके p इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, i इक्वल टू v बाय आर बस इस इक्वेशन में आप रख दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू V गुने V बाय R जो कि I है। तो यह है V स्क्वायर बटे R जो कि मैंने यहां पर लिखा है। ये जो पावर है दोस्तों एक वॉट, ये इसको कहते हैं हम वॉट, वॉट यूनिट होता है पावर का। ये पावर जो P से अर्थात विद्युत शक्ति का यूनिट है वॉट, जो कि वोल्ट गुने एम्पियर, क्यों, क्योंकि V इंटू आई इज वोल्ट गुने एम्पियर, 1 VA, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि 2 वोल्ट की बैटरी से 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका जो पावर है वो 6 वॉट है, 6 वॉट वो पावर दे रहा है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में आइए देखते हैं H इज इक्वल टू V इंटू आई टी। H इज इक्वल टू V इंटू आई टी, अब आप पूछेंगे ये H क्या है, तो ये H दोस्तों एक बहुत ही साधारण सी चीज है जिसे मैं उसके तापीय प्रभाव को सूचित कर रहा हूं। अर्थात यह H एक तरह से किया गया कार्य है, वर्क, या फिर आप इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊर्जा आप कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऊर्जावान करते हैं उस परिपथ को, तो वो कितनी ऊर्जा आप उसको दे रहे हैं वो यह H बतलाता है। V इंटू आई आप जानते हैं, V इंटू आई को हम क्या लिखते हैं, पावर, और T हमारा समय है। पावर, ये पावर दोस्तों विद्युत शक्ति जो कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा, तो आप बोलेंगे कि ये तो P गुने समय है, P गुने T, तो हाँ जी ये जो आपकी ऊर्जा है H, ये P गुने T ही है। अब आप बोलेंगे ये ऊर्जा को तो आपने कार्य भी कहा, तो सही कहा, क्यों, क्योंकि पावर को हमने क्या लिखा था दोस्तों, अभी आपको अगर याद होगा तो V गुने Q जो कि ऊर्जा है बटे T, V इंटू आई ये लिखा और फिर इसको T से गुना भी कर दिया, तो ये T और ये टी कट गए, तो क्या बचा दोस्तों, V इंटू क्यू जो कि आपका वर्क था जो कि हमने अपने विद्युत अध्याय की पहली कक्षा में देखा है। तो ये सारी चीजें एक ही है दोस्तों, पर आप याद रखिए कि ये ऊर्जा जो है वो V इंटू आई इंटू टी अर्थात P इंटू टी से हम दिखा रहे हैं। इस V इंटू आई इंटू टी को I स्क्वायर आर टी से भी बता सकते हैं, आप उसी ओम के नियम का उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों एक प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि एक 400 वॉट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है जो कि 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए
ऊर्जा का क्या मूल्य होगा। तो ये मूल्य निकालने के लिए हमें यह पता करना है, यह मूल्य कैसे दिया है दोस्तों, कि 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यह पता कर लें कि कितने किलोवाट आवर हम इन 30 दिनों में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो हम उतने किलोवाट आवर को गुना कर लेंगे 3 रुपए से, तो उतने रुपए हमारे आ जाएंगे जो कि हमें इसके हल के लिए चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शक्ति दी है यहाँ पे दोस्तों, पी पावर, शक्ति जो है वो दी है, वो है 400 वाट। मुझे कैसा पता चला दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ वाट जो है वो यूनिट होता है शक्ति का, विद्युत शक्ति का। तो मुझे पता चला ये 400 वाट पावर है, विद्युत शक्ति है। अब इसे कहा जा रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जा रहा है, अर्थात एक दिन में कितने वॉट आवर यूज कर सकते हैं। तो जो एच इन वन डे, एच अर्थात ऊर्जा एक दिन में कितनी यूज हो रही है, तो 400 × 8 वॉट आवर एक दिन में, जो कि है 3200 वॉट आवर। पर यही ऊर्जा जब हम 30 दिनों में निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 30 दिन तक चलाई जा रही है, एक दिन में इतने वॉट आवर हम यूज कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितने वॉट आवर यूज करेंगे? 96,000 वॉट आवर। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या दोस्तों, 96 किलो वॉट आवर। क्यों? क्योंकि 1,000 जो होता है वो किलो को दर्शाता है, तो 96,000 को हम लोग लिखते हैं 96 किलो वॉट आवर। तो ये 96 किलोवाट आवर हम लोग 30 दिन में उपयोग कर रहे हैं इस प्रश्न के हिसाब से। तो अब प्रश्न ये कहता है कि 1 किलोवाट आवर के लिए हमें 3 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो 96 किलोवाट आवर के लिए हमें 96 × 3 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बराबर होगा 288 रुपए के। जी, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया। तो इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों यह पूरा विद्युत अध्याय हमारा समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पुस्तक में दिए गए बाकी प्रश्नों को भी हल करेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं आपको हर प्रश्न, हर अलग अलग तरीके के प्रश्न नहीं बता सकता हूं। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर मेहनत करेंगे इस विद्युत अध्याय पे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे अलविदा कहें, धन्यवाद।